हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जगदीप सिंह, टीचर ऑफ गुरु हरगोविंद पब्लिक हाई स्कूल फतेहगढ़। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वोकैबुलरी ऑफ द नाइन्थ पीएसईवी क्लास। सो व्हाट इज द वोकैबुलरी? नेचर ऑफ बर्ड्स, सब तो पहले अपन नेचर ऑफ बर्ड्स पढ़ांगे, मीनस ये गल की है, जो सारा पैराग्राफ है ये सारी गल की है, ये गल की है मीनस आप जिमें कोई एक बर्ड होंदा है जो अपन डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस के यूज़ करते हैं वह डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस के अलग अलग मीनिंग निकल आता है। देखिए सारे यही गल की आप पढ़ भी लें, वर्ड्स आर द बैकबोन ऑफ अ लैंग्वेज, कहते जो वर्ड्स होंगे ने यह रीढ़ की हड्डी होंगे ने किसी लैंग्वेज की, बिकॉज दे आर यूज टू एक्सप्रैस ओपीनियनस, ये ओपीनियन दसते हैं, अपना सुझाव देंगे ने, एंड आइडिया डिस्क्राइब थिंग्स एंड एक्शन एंड शो ऑन, सारा कुछ करते हैं, मीनस थिंग्स नू डिस्क्राइब करते हैं, एक्शन दसते हैं मीनस की गल हो रही है। देयर कैन नॉट बी एनी सेंटेंस विदाउट वर्ड्स, कहते सेंटेंस वर्ड्स तो बिना हो नहीं सकते, शब्दों तो बिना। एट द सेम टाइम वर्ड्स कैन नॉट कनवे एग्जैक्ट मीनिंग इन द एबसेंस ऑफ सेंटेंस, जेडे वर्ड्स ने उन्हों का मीनस, हूँ जिमें रन होंगे, रन का मतलब होंगे भजना, पर उन्होंने आप अलग तरीके एक सेंटेंस अलग तरीके यूज कर सकते हैं। सो कहते सेंटेंस तो बिना वर्ड का भी एग्जैक्ट मीनिंग आप नहीं कर सकते। There should be a context in which the real meaning of a word can be understood fully. एक कंटैक्सट होंगे मीनस गल की गई गई है, उस अपन पूरा मीनस फीलिंग लैनी पेगी, मीनस फील करना पेगा कि हाँ की गल कही गई है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आप एक वर्ड का मीनिंग कर सकते हैं एग्जैक्ट तौर पर। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो विद द वर्ड रन इन दैम, अपने जो नीचे वर्ड दिते ने उन्होंने एक वर्ड है मीनस रन, वो अकॉर्डिंग अपने सारे का सारा मीनिंग कढ़ना। In each sentence, the word run conveys a different sense. The sense conveyed is given at the end of the sentence. अपन मतलब दस्या है कि ये बच्चे का मतलब की निकलता है। चलो first देख दिया। He can run very fast and win the prize. कहते वह बहुत तेज भज सकता है तो वह प्राइज जीत सकता है। हुण ही कैन रन वेरी फास्ट मीनस रेस की गल हो रही है। देखो इतने जिहड़ा रन वर्ड उहदा मतलब है रेस, अगे देखो अगे अलग अलग वर्ड होणगे। डोंट यू थिंक दैट द फिल्म विल रन एटलीस्ट फॉर 6 वीक्स, मान लो कोई मूवी आ गई तो सिनेमे च लगती है तो आप देखते हो 10 या 15 दिन चलती है, तो इतने कह रहे कि तुहानू नहीं लगता या तुसी नहीं सोचते कि जिहड़ी इह फिल्म है यह घट्टो घट्ट 6 हफ्ते चलेगी, 6 हफ्ते चलेगी यह सिनेमा के। देखिए इतने मीनस कंटीन्यूटी की गल हो रही है, मीनस फिल्म का चलना, एक फिल्म रिलीज हो रही है वह किन्ने हफ्ते चलती है, किन्ने दिन चलती है, मीनस कंटीन्यूटी। इतने आप वर्ड रन कद वास्ते यूज किया, कंटीन्यूटी वास्ते। नैक्सट वर्ड देखो, सुमन रनस फ्रॉम वन टेबल टू अनदर टू फिनिश हर वर्क इन टाइम। मान लो कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है या कोई वर्कर है, उन्हें कोई काम दिता गया, वो किसी इस टेबल पर जाता, किसी उस टेबल पर जाता, मीनस इधर उधर भजदा, तो उत्थे की जाएगा हरीज, इधर उधर भजना मीनस काली च। सो इस तरीके आप रन नू कई तरीके यूज कर सकते हैं। जिमें नैक्सट देखो भी, इट इज़ सेंट्रेज दैट मिस्टर सहाय इज एबल टू रन टू बिजनेस एफर्टलैसली, कहते यह बहुत अजीब है कि जो मिस्टर सहाय ने वो कि एबल ने, ये काबिल ने कि वह दो बिजनेस चला सकते हैं एफर्टलैसली, मीनस बिना कोई एफर्ट किए। हुण किसी चीज़ नूं चलाउणा, मान लो कोई बिजनेस है जिवें स्कूल है या कुछ भी है, कोई बिजनेस है उन्हूं मीनस रन करना, उन्हूं चलाउणा, मैनेज करना, इत्थे रन का मतलब निकलता है मैनेज करना। जिवें इस दे विच होर देख लो, जिवें आई कांट रन अ कार ऑन माई समॉल सैलरी, मैं अपनी जिहड़ी कार है समॉल सैलरी ते नहीं चला सकता, मीनस उहदे विच पेट्रोल दा जिहड़ा खर्चा कोई भी खर्चा हैगा उहनूं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। सो इहदा मतलब है, रन का मतलब इत्थे कि निकलता भी अफोर्ड। नैक्सट देखो, वैन शी पील्स ऑनियन, जो वह गंढे छिलदी है या प्याज, टीयर्स रन डाउन हर चीक्स, जिहड़े हंजू ने उहदियां अक्खां तो नीचे डिगन लग जाते हैं। सो इहदा मतलब फ्लो। सो इस तरह मीनस एक वर्ड का एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग कई मीनिंग निकल सकते हैं। आपां नूं एक एक्सरसाइज दी है जिहड़ी आपां सोल्व करनी है, इहदे विच आपां नूं वर्ड दे रखे ने, इहनां दे अकॉर्डिंग आपणे नीचे जिहड़े वर्ड ने इहनां विच देखो। Now read the following sentences. Write the word group of words that give the meaning of set against each sentence. One sentence has been done for you. Consult a dictionary when in doubt. अपन एक वर्ड इहदे विच सैट यूज़ किया हो, एक सैट वर्ड यूज़ किया है। सैट वर्ड कई तरीकों नाल उहदे कई मीनिंग निकले ने, वो मीनिंग नूं अपने इन्हां दे अकॉर्डिंग दसना भी वो मीनिंग किहड़े किहड़े मीनिंग निकलते ने सेंटेंस दे विच। तो एक्सरसाइज करके पता चलेगा, जिवें फस्ट एक्सरसाइज फस्ट इन्होंने दिता पेगा।
माई मदर गिफ्टड मी गिफ्टड अ सैट ऑफ हैंड करचीफ्स टू माई जंगर सिस्टर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। देखो इतने मीनस अ सैट ऑफ हैंड करचीफ्स मीनस एक ग्रुप ऑफ थिंग्स दित्तियां ने, सेम काइंड ऑफ थिंग्स दित्तियां ने किसनों, मेरे जंगर ब्रदर नूं। द ज्वेल्स वर सैट ब्यूटीफुली इन द गोल्ड, जिहड़े ज्वेल्स ने जिहड़े मनके ने वह चंगी तरह सैट किए हुए ने कितने भी गोल्ड के, यदा मतलब क्या है मीनस फिक्स किए ने। देखो सैट का मतलब है इतने फिक्स करना, जिम्मे अपन उपर वर्ड देते हैं, देखो भी आप पहला यूज़ करा इतने फिक्स वर्ड में यूज़ करा। नैक्सट देखो मीनस आपने बेसिकली की करना, एक ये सारे जिन्हें भी सेंटेंस एक वर्ड यूज़ किया सैट, वह अपने अलग अलग मीनिंग की निकलता उन्होंने आ उपर दिते जो अपन पूरा दिता हुआ ये अकॉर्डिंग अपन दसना भी की मतलब निकलता। नैक्सट देखो भी रघु इज़ वैल सैट इन हिज न्यू जॉब, वैल सैट मीनस सैटल्ड हो गया, वो पूरी तरह सैटल हो गया मीनस वो वधिया पे है। देखो ये वर्ड वर्ड दिता हुआ सैटल्ड, वो अपने इतने यूज़ किया, देखो भी ये सीगा ये अपने वर्ड इतने यूज़ किया सैटल्ड। होर भी कई वर्ड्स ने जिमें नाइन्थ देख लो भी, ओल्ड पीपल हैव सैट व्यूज़ अबाउट एवरीथिंग, जिहड़े पुराने लोग ने कहिंदे उन्हां दा मीनस सैट व्यूज़ एक मतलब थोड़े जिहड़े व्यू हुंदे ने मीनस पुराने जिहड़े उन्हां दे ख्यालात हुंदे ने उन्हां दे अकॉर्डिंग मीनस एक एरिया दे विच ही एग्जिस्ट करदे ने, फिक्स हुंदे ने उन्हां दे व्यूज़, तां करके इत्थे फिर वर्ड किया जाएगा भी फिक्सड। होर देख लो भी जिवें सैवनथ, शी हैज सैट अलार्म फॉर 5 o'clock सो दैट शी इज़ नॉट लेट, इतने भी उन्हें अलार्म की किया भी सैट करता मीनस फिक्स करता भी हाँ इन्ने बजे मैं उठना, तो करके इतने सैट का मतलब फिर कह जाएगा फिक्सड। जिमें फिफ्थ देख लो, लैट स्टार्ट वेयरिंग वूलन क्लॉथ्स, कहें भी गर्म कपड़े शुरू पाने शुरू कर दो, द विंटर हैज़ सैट इन, जी विंटर हैज़ द विंटर हैज़ सैट इन, कि जी ठंड है वो आ चुकी है ज ठंड स्टार्ट हो चुकी है, तो करके इतने सैट का मतलब किया जाएगा भी स्टार्ट। सो हरेक जो भी सैट अपने हरेक यूज़ किया वो अकॉर्डिंग मतलब दसना, जिम्मे इतने स्टार्टर का इतने वर्ड है स्टार्टर जब जोड़ा अपने यूज़ किया ये सी भी। सो इस तरह आई विल सेंड द होल PDF ऑफ द एक्सरसाइज, सो थैंक यू वेरी मच, वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पोर्शन इन द नेक्स्ट वीडियो, होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर, थैंक यू।